है और अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे आपने देखी, क्या जी कहना है? बच्चे पांडे का जो कहना, अपने पिक्चर जो देखा, पिक्चर तो अच्छा लगा मेरे को, शुरुआत में भी और लास्ट में भी। जो अभी जो मतलब क्या है उसमें जो मिस किया जो है डबलिंग, वही तो अब मज़ा नहीं आया, लेकिन पिक्चर में और कॉमेडी में बीच बीच में दिया है और डायलॉग भी है, मेरे को अच्छा लगा। हेलो। और लास्ट में भी मतलब शो ख़त्म होते हुए उसमें भी देखा थोड़ा डायरेक्शन जो उसमें मिला है, उसमें भी थोड़ा भी अच्छा लगा। कॉमेडी में और जो डबलिंग जो किया है, नकली जो लगाया उसका स्टाइल भी अच्छा लगा मेरे को। रिमेक आपको नहीं पसंद है? हाँ, रिमेक आपको पसंद नहीं है, बाकी सब सही है। हाँ, ओरिजिनल वाले देखा। दोनों में क्या फर्क लगा? दोनों में तो यही है, मतलब जो है उसमें दोनों जेंट्स है, डबलिंग जो शूटिंग के लिए जो आता है वो दोनों जेंट्स है। इसमें जो अभी जो अक्षय भाई जो बनाया, इसमें लेडीज और जेंट्स है, बस इतना ही थोड़ा फर्क है। मतलब कहानी थोड़ा सेम टू सेम वैसी है। तो बच्चन पांडे में आपको क्या लगता है, क्या कमी थी, क्या कमी थी जो पसंद नहीं आया आपको? बस कोई डबलिंग का यही पसंद नहीं है, बाकी हर एक्टिंग जो है, जो भी है गाने वगैरह हर चीज पसंद आया मुझे। अच्छा, मतलब आप चाहते कि अक्षय कुमार रिमेक ना करे? हाँ, ना करे, बस रिमेक, बस यही है, बाकी कुछ नहीं। मतलब अच्छा एक्टर से, ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब पिक्चर मूवी अच्छा नहीं है, मूवी अच्छा है, डायरेक्टर भी सब कुछ सही है, लेकिन जो क्या है ना, मतलब स्टाइल भी अच्छा है, कॉमेडी में जो किया, जो पिक्चर बनाया हिट है, अच्छा लगा मेरे को, वो हमको शिकायत नहीं है उसमें। जो डबलिंग जी किया ना, इसमें मज़ा नहीं आता, क्यों अच्छा खासा हीरो, अच्छा खासा खास नंबर वन रहते हुए, मतलब जो क्या है पिक्चर अच्छा, ये कुछ बोलना चाहता है। अच्छा अच्छा एक्टर्स है, लुक भी अच्छा है, सब अच्छा लगा, लुक भी अच्छा लगा, अच्छा एक्टर्स भी है, लेकिन डबलिंग अच्छा नहीं लगा हम लोग को। जी, जो डबलिंग किया ना, सीनियर ये अच्छा नहीं, जो रिमेक किया बराबर नहीं, वो बराबर नहीं किया, लेकिन अच्छा सब बिल्कुल। फरहाद साहब जी के बारे में क्या कहेंगे, हाउसफुल वो भी उन्होंने ही बनाई थी? हाँ, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। डायरेक्टर जो है उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो डायरेक्टर, डायरेक्टर के बारे में क्या बोलूँ, अगर डायरेक्टर, अगर वो साउथ वाला फिल्म नहीं देखा इसलिए हो सकता है बना, साउथ वाला फिल्म देख के बनाया होगा तो गलत है ये, ऐसे फिल्म बनानी चाहिए डायरेक्टर साहब को भी। अगर नहीं देखा है तो बनाया तो सही, अच्छा ही है, उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमने साउथ वाला फिल्म देखे हैं, और देख के अगर हम वही फिल्म इसमें डबलिंग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप फिल्म देखेंगे किसी का, उसके बहुत बड़ा फैन है, किसी का मेमिक कर बनाएगा दूसरा फिल्म, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना? हम तो उस बहुत कितना डोंबिवली से यहाँ पर आना कितना टाइम लगता है बताइए? हाँ, डोंबिवली से है, बताइए वहाँ से हम, वहाँ पर भी है, वहाँ पर स्प्रिया मॉल है, लोधा है, वहाँ पर इससे भी बराबर हॉल है, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं देखे, क्योंकि हम लोग चलो साथ में बराबर है, साथ साथ में देखेंगे, चलो इंजॉय करते हैं, आज घूमेंगे। अच्छा, हम इसमें बात करेंगे, आप अक्षय कुमार को छोड़ के अरशद वारसी और कीर्ति से, ये दोनों अच्छा कैसा लगा? उन दोनों, हाँ उन दोनों का काम अच्छा लगा, मस्त लगा, जो डायलॉग बोलता है तेरे घोड़े लग गए क्या बोलता है वो, हाँ वो मस्त लगा। अच्छा, अक्षय का लुक कैसे लगा? नहीं, लुक जबरदस्त है, ऐसा लुक जबरदस्त है, जो पत्थर वाला बोलता है भाने, वो भी मस्त लगा लुक, ऐसा लुक होना चाहिए, स्टाइल में और सब जो है डायट में हर चीज उसमें, उसका हर चीज परफेक्ट है, लुक में जो है, जो गाना वगैरह जो डांस किया है सब, हर चीज अच्छा लगा, वेरी नाइस, वो बोला उससे नहीं बोला मैं कुछ, लेकिन उसका जो ये मेमोरी किया ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बस ये हमको कुछ उससे पूछ रहे हैं, तड़का भी था वो, हाँ वो मूवी अच्छा था, वो तो वेरी इंजॉय, बहुत इंजॉय किया उसके, वो लॉलीपॉप वाला जो गाना था, लॉलीपॉप वो गया मैं कसई कसई मारो लका चका, मस्त लगा वो भी, खच खच ये गाना है। अच्छा, आपकी रेटिंग क्या होगी आखिर में, पाँच में से रेटिंग कितना, 5 out of 5 कितना देगा? देखिए, मैं तो 5 out of 5 भी दे सकता हूँ, उसके लिए पूरा दे मैं, लेकिन ये जो कि ये गलत किया, अच्छा जी, ये ऐसा नहीं है मेरा, अब अच्छा लगा पिक्चर, ऐसे नहीं बोल सकते बकवास से फिल्म नहीं है, नहीं क्योंकि हमको पसंद नहीं आया पिक्चर, देखा हुआ पिक्चर देखेंगे बार बार अच्छा नहीं लगेगा ना। आप क्या कहेंगे आखिर में, रेटिंग क्या होगी? बस सेम में, बस सेम, तो क्या कहना चाहेंगे अक्षय कुमार को कि क्या रिमेक वापस करना चाहिए या फिर? नहीं नहीं, डबल में करना, रिमेक नहीं करना चाहिए, सीनियर हीरो है जी, आप पुराना हीरो अगर आप दूसरे जैसे नया नया हीरो साउथ में है उसी का आपने डबलिंग किया अच्छा लगेगा, कॉमेडी वगैरह बनाया मतलब हिट बनाया पिक्चर, अभी तक शिकायत नहीं आया, इसमें जो क्या है डबलिंग किया इसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, बाकी पिक्चर में कोई शिकायत नहीं है, बस ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।